हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, अर्थात लघु बीजाणु जनन क्या है। ठीक है, इसकी प्रोसेस को या इसकी क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस स्पोर प्लस जेनेसिस। ठीक है, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, स्पोर का होता है बीजाणु और जेनेसिस का होता है फार्मेशन। अर्थात अगर सिंपल बात की जाए तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, तो फार्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अर्थात लघु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी सेकेंड परिभाषा क्या है, सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, तो सेकेंड डेफिनेशन यह है कि लघु बीजाणु मातृकोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके अलावा एक थर्ड डेफिनेशन भी है। तीसरी डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं कि पराग कोष तथा पराग कणों के परिवर्धन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि पराग कोष तथा पराग कणों का परिवर्धन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो परागकोष होता है, परागकोष के अंदर परागपुट पाया जाता है जिसकी एक कोशिका अन्य कोशिकाओं की तुलना में गोलाकार धारण कर लेती है, जिसे प्राथमिक प्रपत्स्य कोशिका कहते हैं। ठीक है, यह कोशिका जो है विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बट जाती है, कौन कौन सी, प्राथमिक पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब यह स्पोरोजेनस सेल जो होती है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का कार्य करने लगती है। ठीक है, तथा विभाजित होकर चार लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है जो कि निम्न प्रकार से विन्यासित रहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणु जन्म के बाद कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे कितने, चार। ठीक है, अब ये निम्न प्रकार से विन्यसित रहते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से विन्यसित रहते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा चतुष्फलकी, चतुष्फल के मतलब चारों फलक के चारों कोनों पर। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा डाइकॉट अर्थात द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री के जो पौधे होते हैं उनमें लघु बीजाणु जनन के बाद जो चार लघु बीजाणु बनते हैं वो चारों फलकों पर स्थिर होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा लाइनियर, रेखीय जो होते हैं अर्थात इस प्रकार के लघु बीजाणु, इसमें क्या होता है कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक सीधी रेखा में विन्यसित रहते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं पॉलीएंथस में। ठीक है, तीसरा नंबर है हमारा टी आकार के, देखिए टी आकार बनी है नहीं बनी है, टी आकार, इसमें क्या होता है कि दो ऊपर और दो नीचे इस प्रकार से स्थिर हो जाते हैं, जैसे टी आकार की संरचना बन जाती है। ये किस में पाया जाता है विन्यास, तो ये एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट चौथा है समद्विपार्श्विक। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो ये एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लघु बीजाणु चारों कोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्रासित, डिकास्टे जिसको कहते हैं। डिकास्टे में क्या होता है कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये यल और इधर से ये यल। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो मैग्नोलिया में पाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चार लघु बीजाणु होते हैं ये विभिन्न प्रकार से विन्यसित रहते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से नाम देख लेते हैं, चतुष्फलकी,
दूसरा है लाइनियर यानी रेखी, तीसरा है टी शेप, चौथा है समद्विपार्श्विक और पांचवा है डिकॉट यानी क्रॉस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विन्यसित रहते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।